स्तोताओं को देने के लिए जिनके हाथ में सुवर्ण रहता है, ऐसे सविता, बृहस्पति, वरुण, इंद्र तथा अग्नि का और विश्व देवों का मैं अंगिरा ऋषि आह्वान करता हूँ। वे इस मांस खाने वाली अग्नि को शांत करें। मांस भक्षक अग्नि सविता आदि देवों की कृपा से शांत हो। पुरुषों की हिंसा करने वाली अग्नि भी सुखकारी हो। जो सबको जलाने वाली और मांस भक्षक अग्नि है, उसको मैंने शांत कर दिया है। सोमलता जिनके ऊपर वर्तमान है, ऐसे मुंजवान आदि पर्वत के ऊपर शयन करने वाले जल ने, वायु ने और बादलों ने मांस भक्षक अग्नि को शांत कर दिया है। सूक्त 22वां। देवता विश्वेदेव, हम में हाथी के समान अपराजय एवं प्रसिद्ध बल हो। देव माता अदिति के शरीर से जो महान एवं प्रसिद्ध तेज उत्पन्न हुआ है, सभी देव माता अदिति के साथ मिलकर मुझे वह तेज और यश प्रदान करें। दिन के स्वामी इंद्र, रात्रि के स्वामी वरुण, स्वर्ग के अधिपति इंद्र और सबका संहार करने वाले रुद्र मुझे अनुग्रह करने योग्य समझें। सारे संसार का पोषण करने वाले मित्र आदि देव मुझे तेजस्वी बनाएं। जिस तेज से हाथी विशालकाय बनता है, जिस तेज से राजा मनुष्यों में तेजस्वी होता है, जिस तेज से जल में प्राणी तेजस्वी बनते हैं, अथवा जिस तेज से आकाश में गंधर्व आदि तेजस्वी बनते हैं, तथा सृष्टि के आदि में जिस तेज के कारण इंद्र आदि ने देवत्व प्राप्त किया है, हे अग्नि, उस संपूर्ण तेज से इस समय मुझे तेजस्वी बनाओ। हे जन्म लेने वाले प्राणियों के ज्ञाता तथा आहुतियों के द्वारा हवन किए जाते हुए अग्नि देव, तुम में जितना तेज है, सूर्य में जितना तेज है तथा असुरों के हाथों में जितना तेज है, उतना ही तेज कमल की माला से सुशोभित अश्वनी कुमार मुझ में धारण करें। चारों दिशाएं जितने स्थान को व्याप्त करती हैं तथा रूप को ग्रहण करने वाले नेत्र जितने नक्षत्रों को देखते हैं, परम ऐश्वर्य वाले इंद्र का असाधारण चिन्ह तथा पूर्वक्त देवों का तेज हमें प्राप्त हो। वन में स्वेच्छा से रहने वाले हरिण आदि पशुओं के मध्य जंगली हाथी अपने बल की अधिकता के कारण राजा होता है। उस हाथी के भाग्य रूपी तेज से मैं अपने आप को सींचता हूँ। सूक्त 23वां। देवता योनि, हे स्त्री, जिस पाप से जनित रोग के कारण तू बांज हुई है, उस पाप को हम तुझसे दूर करते हैं। यह पाप रोग तुझे दोबारा ना हो जाए, इसलिए हम इसे दूर देश में पहुंचाते हैं। हे स्त्री, बाण जिस प्रकार स्वाभाविक रूप से तरकश में पहुंच जाता है, उसी प्रकार पुरुष के वीर्य से युक्त गर्भ तेरे जननांग में पहुंचे। वह गर्भ 10 मास के पश्चात पुत्र के रूप में परिवर्तित होकर तथा सशक्त बनकर जन्म ले। हे स्त्री, तू पुत्र को जन्म दे, उस पुत्र की पत्नी से पुत्र ही उत्पन्न हो। इस प्रकार अविच्छन रूप से उत्पन्न पुत्रों की भी तू माता होगी। उनके जो पुत्र होंगे, उनकी भी तू माता होगी। हे नारी, बैल जिस प्रकार अपने अमोघ वीर्य से गायों में बछड़े उत्पन्न करता है, उसी प्रकार तू अमोघ वीर्य से उत्पन्न पुत्रों को प्राप्त कर। तू प्रसूता होकर पुत्रों के साथ वृद्धि को प्राप्त हो। हे स्त्री, ब्रह्मा जी ने वृषभ संबंधी जो व्यवस्था की है, उसके अनुसार मैं तेरे लिए संतानों उत्पत्ति संबंधी कर्म करता हूँ। गर्भ तेरी योनि में जाए, उसके पश्चात तू पुत्र प्राप्त करे।
वह पुत्र तेरे लिए सुख प्रदान करे तथा तू भी उसके लिए सुख का कारण बने। जिन वृक्षों का पिता आकाश और माता पृथ्वी है, जलराशि उनकी वृद्धि का मूल कारण है। वृक्षों के रूप में वे दिव्य जड़ी बूटियां पुत्र लाभ के लिए तेरी रक्षा करे। सूक्त 24वां देवता वनस्पति। मेरे जौ गेहूं आदि अन्न सार युक्त हो तथा मेरा वचन भी सार युक्त हो। मैं उन सार वाली फसलों से उत्पन्न धान्य को अनेक प्रकार से प्राप्त करूं। मैं उस सार वाले देव को जानता हूं। उसने जौ गेहूं आदि की वृद्धि की है। भौरे के समान संग्रह करने वाले जो देव हैं, उनका मैं स्तुतियों के द्वारा आह्वान करता हूँ। यज्ञ करने वाले के घर में जो जौ गेहूं आदि धान्य हैं, देव उसे एकत्र करके मुझे प्रदान करें। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और इनकी मध्यवर्ती ये पांच दिशाएं तथा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और निषाद ये पांच जातियां इस यजमान के धन धान्य की उसी प्रकार वृद्धि करें जिस प्रकार वर्षा का जल प्रवाह में पड़े हुए जलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। जल की उत्पत्ति का स्थान 100 अथवा 1000 धाराओं वाला होने पर भी कभी क्षीण नहीं होता। इसी प्रकार हमारा यह धान्य अनेक प्रकार से 1000 धाराओं वाला होकर क्षय रहित बने। हे 100 हाथों वाले देव, तुम अपनी भुजाओं से धन एकत्र करो तथा 1000 हाथों से लाकर हमें धन दो। इसके पश्चात अपने द्वारा दिए हुए धन से मुझे समृद्ध बनाओ। विश्वावसु आदि गंधर्वों की संपन्नता के कारण है। उनकी 3 कलाएं, उनकी 4 अप्सरा रूपी पत्नियां, हे धान्य, पत्नियों में जो अतिशय समृद्ध है उससे हम तेरा स्पर्श कराते हैं। हे प्रजापति, उपहो नाम का देव और धन की वृद्धि करने वाले देव का समूह, ये दोनों तुम्हारे सारथी हैं। अनेक प्रकार के तथा क्षय रहित धन धान्य को एवं समृद्धि को ये हमारे समीप लाएं। सूक्त 25वां देवता कामेशु। हे नारी, उतुद नाम के देव अत्यधिक व्यथित करने वाले हैं। वे तुझे कामराता करें। मदन विकारों से व्यथित होकर तू अपने पलंग पर सोना पसंद मत कर। कामदेव का जो भयानक बाण है उससे मैं तेरे हृदय को ताड़ित करता हूँ। मन का कामनोन्माद जिसका पर्ण अर्थात पीछे वाला भाग है और रमण करने की अभिलाषा जिसका फल अर्थात आगे वाला भाग है तथा भोग विषयक संकल्प जिसके दोनों भागों को जोड़ने वाला द्रव्य है, इस प्रकार के बाण को अपने धनुष पर रखकर कामदेव तेरे हृदय का वेधन करें। कामदेव के द्वारा भली भांति खींचा गया बाण प्राणों के आश्रय पलीहा को जलाता है। हे नारी, मैं सीधे पंखों वाले तथा अनेक प्रकार से दहन करने वाले उस बाण से तेरे हृदय का वेधन करता हूँ। दाह करने वाले तथा शोकात्मक बाण से घायल होने के कारण तेरा कंठ सूख जाए और उस कंठ के कारण अपना अभिप्राय प्रकट करने में असमर्थ होकर तू मेरे समीप आ। तू मृदु भाषणी एक मात्र मुझसे रक्षा पाने वाली तथा मेरे अनुकूल बोलने वाली बन और मेरे अनुकूल आचरण कर। हे नारी, मैं कोड़े से मारकर तुझे अपने अभिमुख करता हूँ। मैं वहां से तुझे अपने समीप बुलाता हूँ जिससे तू मेरे संकल्प को पूरा करे और मेरी बुद्धि के अनुसार चले। हे मित्र और वरुण, इस स्त्री के हृदय को ज्ञान शून्य कर दो।
इसके पश्चात इसे कर्तव्य और अकर्तव्य के ज्ञान से शून्य करके मेरे वशीभूत बना दो।